हेलो फ्रेंड्स, ये आज हमारे पास है डेजी। ये बड़ी एक्टिव ब्रीड है, ये डॉबरमैन है। ये हमारे पंजाब में ना 90 के दशक में काफ़ी पाई गई है ये। उसके बाद ये बिल्कुल ही अलोप हो गई, क्योंकि इसके थोड़े केस आए थे बाइट के। लोगों ने इसको अपार्टमेंट वगैरह में रखना शुरू कर दिया। तो बेसिकली ये हैं गार्ड डॉग, और इनको थोड़ी स्पेस ज़्यादा चाहिए घर में। इनको खेलने के लिए एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करनी पड़ती है इनको। तो लोगों ने अपार्टमेंट में रखा तो इनका बिहेवियर चेंज हो गया, तो उस वजह से ये डॉग दोबारा अलोप हो गए कि ये भैया ये काटते हैं, ये है वो है। तो अभी ये दोबारा पंजाब में फेमस हो रही है। जो हमारे यहाँ पे सिंगर हैं वो इनको प्रमोट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये दोबारा फिर से पॉपुलर हो रही है। बिग थैंक्स टू मूसेवाला एंड हरमत, क्या सिंगर नेक्स्ट सर, अमृत मान। बिग थैंक्स टू दैट, बहुत वैसे उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये ब्रीड को दोबारा लोगों के प्रति इसका नजरिया दिखाने के लिए कि हाँ ये ब्रीड है अभी पंजाब में। हाँ, आप इस ब्रीड को रखो, ठीक है। अगर रखना है तो इसके लिए आपको जगह खुली चाहिए कि डॉग को एक्सरसाइज इसकी पूरी हो जाए। अगर इसको आप कम जगह में रखोगे, स्पेस कम मिलेगी, इसको आप एक्सरसाइज नहीं करवाओगे, इसके साथ खेलोगे नहीं, फिर ये एग्रेसिव हो जाते हैं। एक इसमें बात और ओढ़ना चाहता हूँ सर, कोई भी गार्ड डॉग है जैसे रॉटवाइलर हो गया, बुल मास्टिफ हो गया, अगर आप उसको टाइट जगह में रखोगे तो वो भी काटते हैं। हाँ, ये लार्ज ब्रीड में आ जाते हैं ना। वर्किंग लाइन, ये हम शो के हिसाब से बोलते हैं इनको, वर्किंग डॉग है ये। तो वर्किंग डॉग को हमेशा कोई ना कोई काम देना ही पड़ता है, जिसकी वजह से ये बिजी रहेंगे तो ये किसी को नहीं काटेंगे। अगर ये बिजी नहीं रहेंगे तो इनका माइंड थोड़ा खराब हो जाता है, फिर ये काटते हैं। तो आप इसको बाय कर सकते हो, लेकिन आपके पास जगह होनी चाहिए इसको रखने के लिए, और टाइम भी। हाँ, टाइम भी होना चाहिए। अगर आपके पास जगह और टाइम नहीं है तो प्लीज़ इसको ना रखें, क्योंकि ये बड़ी ब्रीड है। फ्रेंड, एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, डॉबरमैन पिंचर आप जानते ही हो मोस्टली कहाँ से कहाँ की ब्रीड, जर्मन की है ब्रीड, और ये कैसे कैसे बना गया था, हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है इसमें, रॉटवाइलर का भी मिक्स है, क्लोन, सब चीजें मिक्स कर बनाया गया। बट मोस्टली इस ब्रीड को क्यों बनाया, ये कि वो जैसे कि जब आप 18वीं सेंचुरी में थे, आप पैसे कैरी कर अगर आप बैंक कहीं जाते थे तो वहां पर चोर बहुत हुआ करते यूरोप में, तो वो ये उस तब की कहानी है यूरोप की, कि ये अमीरों का डॉग था। तब वहां माना जाता था कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जो पैसा कैरी कर इधर उधर ट्रेवल करते हैं, तो उनके साथ ये हमेशा गार्ड डॉग हुआ करते थे। इनके कान या टेल क्यों क्रॉप किया, तो उसका भी एक रीजन है, क्योंकि जब एक दो केसेस में ऐसा हुआ कि ये अगर वैसे भी ब्रीड इतनी एनर्जेटिक है कि इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनकी वीकनेस ये है कि इनके पूंछों और कानों से पकड़ा जा सकता था, तो तभी से इसके कान क्रॉप करवाकर सीधी पोजीशन में खड़े करके वो एक इनका फिर बाद में ट्रेडमार्क ही वो बन गया। अभी केसीआई के अगर डॉग शोज आप देखते हो तो उसमें इनकी पूंछ भी कटी हुई होती है और कान भी क्रॉप कर सीधे किए होते हैं। बाकी तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने क्रॉप करवाने ही हैं। वो एक कहानी थी कि पैसे तब की जो चीज है, आज से 200 साल या 100 साल पहले की बात है, लेकिन अभी टोटली डिपेंड, देखो कानों के साथ कितना अच्छा लग रहा है। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा चोर को पकड़ने के लिए पुलिस के पास भी ये डॉग रहे हैं ये पुलिस डॉग भी रह चुके हैं जी। तो ये एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है आपके साथ, जो कि एक टाइम ऑफ सिंबल ऑफ रिच फैमिली डॉग माना जाता था, अभी आप इसको रख सकते हो, और अभी पंजाब में ब्रीड द्वारा बहुत प्रचलित हो गई, ट्रेंडिंग में, और आप जरूर लेकर आइए। बहुत अच्छे प्यारे डॉग हैं, बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी। बट एंड ऑफ द डे बात वही जो सर ने कहा कि आपके पास बड़ा हाउस, बड़ा लॉट ऑफ स्पेस होनी चाहिए, अच्छा बड़ा गार्डन होना चाहिए, जहां ये प्रॉपर भाग कर अपनी फिजिकली एक्सरसाइज कर पाए, जितने से पोस्ट भी इनको जरूरत है, एनर्जी वेस्ट होनी चाहिए बस। ओके, और कुछ बताएं आपके बारे में, चलो बाय। चलो जी, थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग, क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। होला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं,
नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।